हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? सब स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। तो आज हम बनाने जा रहे हैं लच्छा टिक्की आलू का, जो बहुत ही क्रिस्पी बनता है। और इसमें ना आलू उबालना है, तो देखिए और ट्राई करिएगा। बहुत ही क्रिस्पी है, बहुत ही टेस्टी है, तो ज़रूर ट्राई करिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो सबसे पहले हम आलू को छील लेंगे, धो लेंगे और उसको कद्दूकस करेंगे, जैसा कि देख रहे हैं हम कर रहे हैं। तो वैसे ही कद्दूकस कर लेंगे। ये 5 मिनट में बनके तैयार हो जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है, रियली बहुत क्रिस्पी लगता है। आप ज़रूर एक बार ट्राई करिए और कमेंट करके बताइए कि आपका भी इतना अच्छा बना था। तो यहाँ हम कद्दूकस कर लिए आलू को। आलू को अच्छे से कद्दूकस करने के बाद हम इसको धोएंगे। यहाँ हम पानी में इसको अच्छे से 2-3 पानी धो लेंगे। जब तक ये पानी साफ ना निकलने लगे तब तक हमें धोना है आलू को। देखिए यहाँ हम दोबारा धो रहे हैं, 2 से 3 बार धोएंगे तो साफ पानी निकलने लगेगा। यहाँ देखिए, तो ऐसे ही हम धो के पूरे अच्छे से इसका पानी निकाल लेंगे निचोड़ के। पानी निकालने के बाद इसमें हम मिर्च डालेंगे, हरी मिर्च। इतना आपको तीखा पसंद है उतना डालिए, हमें ज़्यादा तीखे पसंद नहीं है तो इसलिए हम 1 मिर्च डाल रहे हैं। लेकिन एक ही मिर्च से तीखा हो गया था, मिर्च ज़्यादा तीखी थी। फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा मसाला, धनिया, जीरा का पाउडर, हल्दी। यहाँ हम मैगी मसाला डाल रहे हैं थोड़ा सा, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालिए या फिर स्किप करिए। उसके बाद यहाँ हम सब्जी मसाला डाल रहे हैं पैकेट वाले। यहाँ हम अरारोट डाल रहे हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ चावल के आटे भी डाल सकते हैं। नमक डालेंगे हम स्वाद के अनुसार। नमक डालने के बाद इसमें इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालना है, जितना ही सिंपल रहेगा उतना अच्छा लगेगा। इसको अच्छे से हम मिला लेंगे। देखिए ये गीला हो गया नमक डालने की वजह से, नमक पानी छोड़ता है इसलिए, ये देखिए। उसके बाद यहाँ हम टिक्की बना लेंगे। टिक्की क्या करके ऐसे आप गोल करके बना लीजिए, बहुत ही आसानी से बन जाता है। अगर नहीं बन रहा है तो गोल करके फिर उसको हथेली पर चिपका लीजिए। देखिए जैसे कि हम कर रहे हैं, हाँ ये देखिए हो गया। यहाँ मेरा 4 से 5 टिक्की बना था, यहाँ हम अपने लिए बनाए थे। हेल्दी भी रहता है और टेस्टी भी लगता है, ईजिली बन भी जाता है, कई सारे फायदे हैं इसके। उसके बाद चलिए चलते हैं इसको हम तलने। तो यहाँ देखिए हम पैन बैठा दिए, इसमें हम सरसों तेल डाले हैं, सरसों तेल ज़्यादा अच्छा लगता है इसलिए हम डाले हैं। आप जो भी ऑयल यूज़ करते हैं आप डाल सकते हैं। यहाँ जो हम टिक्की बना के रखे थे उसको एक एक करके हम डाल देंगे। सावधानी से आप डालिए, डालने से पहले एक बार अच्छे से बना लीजिए उसको, उसके बाद आप डालिए।
इसको आप चाहें तो तल भी सकते हैं। यहाँ हम डीप फ्राई कर रहे हैं। इसको 2 से 3 मिनट तक हम ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि नीचे अच्छे से पक जाए लो टू मीडियम फ्लेम पे। यहाँ मेरा थोड़ा सा बच गया था आलू, तो इसको हम किसी भी टिक्की में लगा देंगे ताकि उसी में ये बन जाए। तो यहाँ हम 2 से 3 मिनट बढ़िया से छोड़ देंगे ताकि ये नीचे से अच्छे से पक जाए। उसके बाद यहाँ हम ऊपर से भी डाल रहे हैं ताकि हम पलटे तो तेल चिपके ना नीचे टिक्की। तो यहाँ हम ऊपर से तेल डाल दिए हैं टिक्की के ऊपर। उसके बाद एक एक करके हम पलट देंगे। देखिए यहाँ इजीली पलट जाता है। एक हाथ से नहीं हो पा रहा था तो यहाँ हम कैमरा लगा दिए हैं। देखिए क्योंकि एक हाथ से हम पैन पकड़े हैं दूसरे हाथ से हम पलट रहे हैं। इसको हम अलग पलट के क्रिस्पी होने तक पकाएंगे। इसको अच्छे से क्रिस्पी करिए ताकि ये अंदर तक पक जाए, जो आलू है वो भी पक जाए और अरारोट भी पक जाए। क्योंकि आलू तो कच्चा ही है तो इसको बढ़िया से आप पकाइए। देख गिर गया। यहाँ देखिए कितना क्रिस्पी बना है। बस टिक्की तैयार है। ये देखिए, देख के ही लगता होगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।